गुड मॉर्निंग एवरीबडी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर द रैट ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लगरलॉफ. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर थोरोली. आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ द चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर. एक बार क्या था, एक रैट ट्रैप सेलर था जो वायर के रैट ट्रैप्स बनाकर बेचा करता था. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स. और वो क्या करता था, उसे अपने फ्री टाइम में बनाया करता था. अंडरलाइन करेंगे यहाँ से. और उसके लिए उसे मटेरियल कहाँ से मिलता था, फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स. स्टोर से जाकर भीख मांग कर लाता था. बिग फार्म्स, बड़े बड़े फार्म्स में से सामान मांग कर लाता था. और इस तरह से क्या करता था, रैट ट्रैप्स बनाकर बेचा करता था. बट इवन सो द बिजनेस वाजंट स्पेशली प्रॉफिटेबल. तभी भी उसके लिए वो बिजनेस क्या था, प्रॉफिटेबल नहीं था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू, इसलिए उसे क्या करना पड़ता था, अंडरलाइन करेंगे, बोथ बैगिंग, भीख मांगता था, एंड पैटी थिवरी, छोटी मोटी चोरी कर लिया करता था, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपना गुजारा चलाने के लिए. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे. हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल थे वो अंदर की तरफ धंसे हुए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में क्या थी, भूख नजर आती थी. उसे खाने के लिए क्या है, प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता था. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस का मतलब होता है एक जैसी लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबोंड. वैगाबोंड का मतलब होता है वॉन्डरर. उस वैगाबोंड को क्या है, सैड और मोनोटोनस लाइफ वो जी रहा था. हु प्लोड्स अलोंग द रोड, और वो सड़क के किनारे किनारे, प्लोड्स का मतलब होता चल रहा था, वॉकिंग स्लोली. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपनी ही मेडिटेशन में खोया हुआ था. बट वन डे द मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट, एक बार क्या है, अपने ही थॉट्स में खोया हुआ था. विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, उसे मजा आ रहा था अपने थॉट्स के बारे में सोचकर. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, जो ये दुनिया है उसके माइंड में क्या आइडिया आया है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स, अंडरलाइन करेंगे, ये सारी दुनिया, इसकी जितनी भी लैंड है, सीज हैं, सिटीज हैं, विलेजेस हैं, क्या है, नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप हैं, एक बड़ा से चूहे के पिंजरे के जैसे है. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स. बेट क्या होता है, लाल जैसे होता है ना, पिंजरे में फंसाने के लिए चूहे को रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है, बेट उस लालच को कहते हैं. इसी तरह से इस दुनिया के जितने भी रिचेज हैं, अंडरलाइन करेंगे, जॉय है, शेल्टर है, फूड है, हीट है, क्लोदिंग है, ये एक बेट की तरह हैं, एक लालच की तरह हैं, जो इंसान को क्या है, अपने रैट ट्रैप में फंसा लेती हैं. एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि चूहा क्या है, रैट ट्रैप में फंस जाता है जब वो क्या करता है, उसके उस पिंजरे में लगे हुए चीज़ को देखता है, पनीर के टुकड़े को देखता है. एंड पॉक, पॉक पिग मीट को कहते हैं, और उसे छूता है, और छूते ही क्या है, उस पिंजरे में फंस जाता है. इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स भी क्या हैं, इस दुनिया के रिचेस, जॉय और शेल्टर को एंजॉय करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, और जब उसके पीछे भागते हैं तो हमेशा के लिए दुनिया रूपी रैट ट्रैप में फंस जाते हैं. मेटाफर है इस चीज़ में, ऑल द वर्ल्ड अ रैट ट्रैप, इट क्लोज इन टू हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड. और जब वो पिंजरा बंद हो जाता है तब सब कुछ खत्म हो जाता है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, दुनिया कभी भी उसके लिए दयालु नहीं थी. लोग उसे देखकर मुंह बनाते थे, उसे भगा देते थे. सो इट गेव हिम अनवांटेड, अनवांटेड का मतलब होता है एक अजीब सा, अनयूजुअल मजा आता था उसे, जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इस तरह से सोचने में. इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम, उसको मजा आता था, एंटरटेनिंग लगता था दुनिया के बारे में ऐसे सोचते हुए. ड्यूरिंग मैनी, ड्रियरी का मतलब होता है डल,
प्लॉडिंग मतलब वॉकिंग स्लोली, जब वो अक्सर थका मांदा सड़क पर चल रहा होता था तो क्या करता था, कंपेयर करा करता था कि ये दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप की तरह है और लोग इसमें क्या है फंस जाते हैं और पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, का मतलब होता है ट्रैप, फंस जाते हैं लोग। और कुछ ऐसे भी हैं जो क्या है चक्कर लगा रहे हैं इस दुनिया रूपी रैट ट्रैप के, रिचेज और जॉयज और शेल्टर के पीछे भाग रहे हैं, हु वर स्टिल एंड सर्कलिंग अराउंड द बेट, उस लालच के पीछे भाग रहे हैं और रेडी हैं इस पिंजरे में फंसने के लिए। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, ट्रजिंग का मतलब मैंने पहले भी बताया था, चल रहा था सड़क के किनारे किनारे, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, एक झोपड़ी पर उसकी नज़र पड़ी है, रोड साइड पर बनी हुई है, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और वो रात के लिए क्या है शेल्टर चाहता है और उस दरवाजे पर उसने खटखटाया है, नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया है, अंडरलाइन करेंगे, इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, अक्सर लोग क्या करते थे उसको देखकर चेहरे बना लेते थे, विच ऑर्डिनरली मैच हिम, उसे अक्सर ऐसे चेहरे को देखने को मिलता था, लोग उसे भगा देते थे क्योंकि वो गरीब था, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, लेकिन उस कॉटेज का जो मालिक था, अंडरलाइन करेंगे यहाँ से, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, ना ही उसका कोई परिवार था, ना वाइफ थी ना बच्चे थे, ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लॉनलीनेस, वो व्यक्ति भी खुश हुआ कि कोई उसे कंपनी देने के लिए आया है। इमिजिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, पॉरेज दलिए को कहते हैं, ओट मील को कहते हैं, और उस ओल्ड मैन ने क्या है रात के खाने के लिए क्या रखा है, पॉरेज रखा है बनने के लिए फायर पर, एंड गेव हिम सपर, सपर होता है रात का खाना, देन ही कार्वड ऑफ का मतलब काटा है उसने, एक बड़ा सा स्लाइस ऑफ टोबैको स्मोकिंग करने के लिए, दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ऑन, उसने क्या किया है अपनी स्मोकिंग करने के लिए टोबैको निकाला है। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स निकाले हैं, एंड प्लेड मजॉलिस, मजॉलिस क्या है गेम होती है जो प्लेइंग कार्ड्स के साथ खेली जाती है, और उस गेस्ट के साथ उसने क्या है प्लेइंग कार्ड्स खेले हैं। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस, जेनरस का मतलब होता है काइंड हार्टेड, विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको, जिस तरह से उसने उसको खाने के लिए पॉरेज दिया है, अपना टोबैको शेयर किया है उसके साथ, उसी तरह से उसने एक और इन्फॉर्मेशन उस गेस्ट के साथ शेयर की है। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पैरिटी, जब वो यंग था हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, वो खेती किया करता था, कहाँ पर राम्स जो आयरन वर्क्स में, कौन वो ओल्ड मैन, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, वहाँ खेती करता था जमीन पर, नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब इतनी मेहनत नहीं कर सकता था, इट वॉज हिज काओ विच सपोर्टेड हिम, उसके पास एक काओ थी जिसका वो दूध बेचता था, यस दैट बॉसी जो उसकी काओ थी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत अच्छी थी, ही कुड गिव मिल्क फॉर द क्रिमरी, जो उसकी गायें थी वो दूध देती थी जिसको वो बेचता था डायरी प्रोडक्ट्स के लिए एवरी डे, एंड द लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रॉनर, क्रॉनर करेंसी है इन पेमेंट, डेनमार्क की करेंसी है क्रॉनर, और उसने क्या किया है उसे 30 क्रॉनर्स मिले हैं, और उसने वो बताया है उसे कि आज दूध बेचकर उसे 30 क्रॉनर्स मिले हैं। द स्ट्रेंजर विच मस्ट हैव सीम इनक्रेडुलस, स्ट्रेंजर को विश्वास नहीं हुआ कि इस ओल्ड मैन के पास 30 क्रॉनर्स है, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, और वो ओल्ड मैन खड़ा हुआ है, वेंट टू विंडो खिड़की के पास गया है, टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर का पाउच लेकर आया है, विच हंग ऑन अ नेल, एक खूंटी पर टंगा हुआ है इन द वेरी विंडो फ्रेम खिड़की के पास, एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 crowner bills, और 3 जो उसके पास करेंसी है वो
30 क्रोनर्स हैं लेकर आया है। दीज ही हैल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, और अपनी गेस्ट की आंखों के सामने रखे हैं। नॉडिंग, सिर हिलाना नॉइंगली, एंड देन उसे दिखाया है। देन स्टफ देम बैक इन टू द पाउच, उस पाउच में वापस डाले हैं। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, दोनों खड़े हुए हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर को क्या करना है, अपनी गाय का दूध बेचने के लिए जाना है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुडंट स्टे इन बेड, जब घर का मालिक ही जा रहा है तो उसे भी अब उठ जाना चाहिए। वैन दे हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब हेड खड़ा हो गया है, दोनों उठे हैं। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने दरवाजा बंद किया है अपने घर का। पुट द की इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में अपनी चाबी को रखा है। द मैन विद द रैट ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू, एंड दे आर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और दोनों अपने अपने रास्ते को चल पड़े हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन, रैट ट्रैप पैडलर फिर आया है। बिफोर द डोर, उसी क्रॉफ्टर के घर के आगे। He didn't try to get in, घर के अंदर नहीं गया है। However, he only went up to the window, खिड़की के पास गया है। Smashed a pane, खिड़की को तोड़ा है। Stuck in his hand, अपना हाथ खिड़की से अंदर डाला है। And got hold to the pouch of the pouch, पाउच उठाया है। With the 30 kroners, जिसके अंदर क्या हैं, 30 kroners हैं। Took the money, thrust it into his own pocket, पैसे पाउच से निकाले हैं, अपनी पॉकेट के अंदर डाले हैं। एंड देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और पाउच को वापस खूंटी पर टांगा है और चल पड़ा है। एज ही वॉक्ड अलोंग द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, खुश हो रहा है कि उसने कितनी स्मार्टली उस ओल्ड मैन के पैसों को चुरा लिया है। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, क्या डिसाइड किया है कि पब्लिक हाईवे से नहीं जाएगा, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, सड़क के किनारे जाने से बेटर है कि उसे जंगल के रास्ते चले जाना चाहिए। इनटू द वुड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, शुरू में कोई समस्या नहीं आई है। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, और धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ रही हैं। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट है वो, विच ही हैड गॉटन इन टू, जिस जंगल में वो अब फंस गया है। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कोशिश भी कर रहा है एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलने की, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, रास्ता उलझा हुआ है। सो स्ट्रेंजली ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, चल रहा है बार बार, घूम रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसने क्या पाया कि एक ही जंगल में वो बार बार घूम रहा है और रास्ता उसे मिल नहीं रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट्स, और तब अचानक उसके माइंड में क्या आया है कि वो भी इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस गया है। ही रिकॉर्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, उसने भी लालच किया, उसने भी उस ओल्ड मैन के पैसे चुराए और वो भी रैट ट्रैप में फंस गया। नाउ His own turn had come. अब उसकी बारी है. He had let himself be fooled by a bait. वो भी लालच में पड़ गया. एक रोटी का टुकड़ा, वो जो 30 क्रोनर्स थे, उन्होंने उसे फंसा दिया है. Had been caught. फंस गया है. The whole forest. और अब ये सारा जंगल, जो पेड़ हैं उसके, with its trunks, पेड़ की जो stems हैं, जो branches हैं, थिकेट्स झाड़ियाँ हैं, फालन लोग लकड़ी का जो लट्ठा है, क्लोज्ड इट अपॉन, उन्होंने उस व्यक्ति को बंद कर दिया है उस रैट ट्रैप में। वो जंगल अब उसके लिए क्या बन गया है, एक रैट ट्रैप बन गया है।
क्लॉज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल मतलब जिसे आप क्रॉस नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल पा रहा है वो उस प्रिजन से, उस कैद से, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, दिसंबर का महीना है, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, अंधेरा हो रहा है जंगल में। दिस इंक्रीज द डेंचर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम, अंधेरे के साथ साथ उसका ग्लूम, उसकी निराशा, एंड डेस्पेयर उसकी निराशा बढ़ रही है। फाइनली ही सो नो वे आउट, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एंड ही सैंक डाउन, बैठ गया ऑन द ग्राउंड, टायर्ड टू डेथ, उसे लग रहा है वो नहीं बचेगा, मर जाएगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसकी मौत अब नज़दीक है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हैड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने अपना सर जमीन से लगाया है, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई दी है, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, क्या सुनाई दे रहा है, जोर से उसे थम्पिंग की साउंड सुनाई दे रही है। देर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, किस चीज़ की आवाज़ थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उठा हुआ है, खड़ा हुआ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, हथौड़े की आवाज़ें थी, आसपास में क्या थी, कोई आयरन मिल थी। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, आसपास में लोग हैं। ही समंड, इकट्ठा किया ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को, गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड, लड़खड़ाता हुआ उस डायरेक्शन में वो चल पड़ा है। द रामसो आयरन वर्क्स विच वॉज नाउ क्लोज्ड डाउन, रामसो आयरन वर्क्स तो अभी बंद है, वर नॉट सो लॉन्ग अगो ए बिग प्लांट, एक बड़ा प्लांट था जहाँ पर क्या होता था, स्मेल्टर, स्मेल्टरिंग होता है, जहाँ पर क्या किया जाता है, जो मेटल्स होते हैं उनको मेल्ट किया जाता है, उनको रोल किया जाता है, एंड द फोर्स, और वहाँ पर क्या थी, भट्टियाँ थी। इन द समर लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस, जब राम्स जो आयरन वर्क्स चला करती थी तब क्या होता था, गर्मी के दिनों में बड़ी बड़ी बार्जेस होती हैं, बोट्स, और स्काउज होती हैं फ्लैट बॉटम वाली बोट्स, बड़ी बड़ी बोट्स कोयले की भरी हुई, स्लिड डाउन द कैनाल, कैनाल के रास्ते से, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम बिग चारकोल क्रेट्स। एक इनलैंड लेक थी और वहाँ से क्या है, जो कोल की बोट्स होती थी शिफ्ट की जाती थी, विंटर टाइम में जो रोड्स होती थी वो बिल्कुल काली हो जाती थी, क्यों काली हो जाती थी, कोल डस्ट की वजह से। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल की, जब क्रेट से कोल को शिफ्ट किया जाता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, जस्ट बिफोर क्रिसमस से पहले की बात है, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्स नियर द फर्नेस। अब क्या है कि ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग थी, क्रिसमस से पहले की बात है, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था अपने हेल्पर के साथ क्या है, फोर्स होता है, फर्नेस ही होती है ये भी, जहाँ पर क्या करते हैं, लोहे को गर्म किया जाता है हैमरिंग करने से पहले, वेटिंग फॉर पिग आयरन विच हैड बिन पुट इन द फायर, में रखा हुआ है आयरन, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, वो सांचा जिसके ऊपर आयरन को रख कर क्या किया जाता है, हैमरिंग की जाती है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप, हर बार या तो मास्टर ब्लैक स्मिथ या उसका असिस्टेंट उठता था, स्टीयर करता था द ग्लोइंग मास, आयरन उस आग को हिलाते थे आयरन की बार के साथ, छड़ के साथ, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, फिर वापस आते थे, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, पसीना टपक रहा होता था, दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग, और क्या पहना होता था ब्लैक स्मिथ के, लॉन्ग शर्ट और पैरों में वुडन के जूते। ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, किस किस चीज़ की, द बिग बेलोज ग्रोन,
एंड द बर्निंग कोल। बेलोज क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिससे क्या किया जाता है, हवा दी जाती है, एक डिवाइस होती है प्रोड्यूस करती है जो स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ एयर, आग को और ज़्यादा उठाने के लिए। और किसकी आवाज़ आ रही थी, बर्निंग कोल जब क्रैक होता था, जलता हुआ कोयला। फायर बॉय क्या करता था, शॉवल्ड चारकोल इनटू द मा ऑफ द फर्नेस, फेंकता था चारकोल को, मा का मतलब था मुंह, जो फर्नेस का भट्टी का मुंह होता था उसके अंदर चारकोल को फेंकता था। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर की साउंड आती थी, आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर उस वर्कशॉप के बाहर पानी की आवाज़ आ रही होती थी, तेज हवा बह रही होती, शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड द रेन, और हवा के साथ जो वो रेन थी वो क्या है, टकराती थी किसके साथ, छत के साथ जो कि ब्रिक की टाइल्स के बनी हुई थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ द नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिडंट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन्ड। अब इतना शोर हो रहा था कि ब्लैक स्मिथ को पता ही नहीं लगा कि किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला है, अंदर आया है फोर्स के अंदर। अंटिल ही स्टूड क्लोज टू अप टू द फर्नेस, और जब वो उसके बहुत नज़दीक आकर खड़ा हो गया है तभी उसने ध्यान दिया है कि कोई अंदर आया है। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स, इस तरह के पुअर वॉन्डरर्स अक्सर वहाँ आ जाया करते थे फॉर शेल्टर, विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स, और उस फोर्स में आ जाते थे जहाँ पर ग्लो ऑफ लाइट होता था, विच एस्केप्ड थ्रो द सूटी पेन्स, सूटी मतलब काले हो गए थे जो विंडो पेन्स थी धुएँ से, एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स, और खुद को वार्म रखने के लिए इन फ्रंट ऑफ द फायर जो वॉन्डरर्स होते थे अक्सर उसकी वर्कशॉप में आ जाया करते थे। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, क्या है, देखा है ब्लैक स्मिथ ने उस पेडलर को, उस वैगाबॉन्ड को, उस रैट ट्रैप सेलर को, एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर होता जो बिना परमिशन के अंदर घुसाता है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड, जैसे बाकी लोगों को देखता था वैसे उसे भी देखा है। और उस वैगाबॉन्ड ने क्या है, लॉन्ग बियर्ड है, लंबी सी दाढ़ी है, डर्टी है, रैग्ड फटे हुए कपड़ों में है, एंड विद अ बंच ऑफ, गले में उसके रैट ट्रैप्स हैं डैंगलिंग, खनखन कर रहे हैं ऑन हिज चेस्ट। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने परमिशन मांगी है वहाँ रुकने के लिए, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड, से हिलाया है, अ हॉटी, एक हॉटी होता घमंडी, कंसेंट दे दिया, चलो ठीक है यहाँ रुक जाओ, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, और एक भी शब्द नहीं कहा है। द ट्रैम्प डिडंट से एनीथिंग इधर आइदर, कुछ भी नहीं कहा ट्रैम्प ने भी, ही हैड ओनली टू कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म, वो भी वहाँ किसी से बात करने नहीं आया था, उसे भी सिर्फ क्या चाहिए थी, वहाँ पर वार्म चाहिए थी और थोड़ी देर सोना चाहता था। इन दोज डेज रामजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, जो रामजो आयरन मिल का मालिक था उसकी क्या इच्छा थी, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, अच्छी क्वालिटी का आयरन मार्केट में सप्लाई करना। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, दिन रात आता था, राउंड लेता था टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, एंड एट द वेरी मोमेंट ही केम इन टू फोर्स ऑन वन ऑफ द नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। आज भी वो ब्लैक स्मिथ सॉरी आयरन मास्टर राउंड लेने के लिए आया था। नेचुरली ही फर्स्ट थिंग ही सो वॉज द टॉल रैगामफिन, होता जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, उस रैगामफिन को देखा है, हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, फर्नेस के पास है वो, दैट स्टीम रोज, उसके गीले फटे हुए कपड़ों में से स्टीम निकल रही है। द आयरन मास्टर डिडंट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ ने जिस तरह से उसको इग्नोर कर दिया था लेकिन आयरन मास्टर ने नहीं इग्नोर किया है। हु हैड हार्डली डेंड टू, डेंड का मतलब होता है बॉदर्ड, उसने क्या है डेंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, और उसने देखा है उस स्ट्रेंजर पर, वॉकड क्लोज्ड अप टू हिम, उसके पास गया है, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसे बड़े ध्यान से देखा है,
टॉर ऑफ हिज स्लाउच हैट, उसका हैट उतारा है टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसे वो ध्यान से देख सके उस पैडलर को, उस वेगाबॉन्ड को. बट ऑफकोर्स इट इज़ यू नील्स ऑलफ. और आयरन मास्टर को क्या गलती लग गई है कि वो उसका पुराना साथी है नील्स ऑलफ. हाउ यू डू लुक, और क्या कह रहा है, तुम ये कैसे हो गए हो नील्स ऑलफ. द मैन विद द रेड रैप्स हैड नेवर बी बिफोर सीन द आयरन मास्टर एंड रामस्टोर. लेकिन उस पैडलर को, उस रैट ट्रैप सेलर को, उसने रैट ट्रैप सेलर ने पहले कभी आयरन मास्टर को नहीं देखा था. डिडंट इवन नो वट हिज नेम वॉज, उसका क्या नाम है. बट इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, होता जान पहचान वाला. लेकिन पैडलर इतना चलाक है कि अगर आयरन मास्टर को गलती लग गई है तो उसकी गलती को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा है. क्या सोच रहा है, He might perhaps throw him a couple of kroner. ये भी मुझे कुछ पैसे दे देगा और मेरा फ़ायदा हो जाएगा. Therefore, he didn't want to undeceive. उसके भ्रम को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसे नहीं बता रहा है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ. Yes, God knows things have gone downhill with me. पता नहीं है मेरे साथ क्या हो गया. He said, you should not have resigned from regiment, होता है आर्मी का वो हिस्सा जो परमानेंट होती है, परमानेंट यूनिट ऑफ आर्मी होती है. तुम्हें आर्मी नहीं छोड़नी चाहिए थी, आयरन मास्टर ने कहा. दैट वॉज द मिस्टेक. इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन्ड. अगर उस समय भी वो नील्स ऑलफ वहाँ सर्विस में होता तो उसके साथ इतना बुरा नहीं होता. गलती दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा है पेडलर, किसकी, आयरन मास्टर की. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, तुम मेरे साथ घर चलो. आयरन मास्टर ऑफर कर रहा है किसको, पेडलर को. टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस. मैनर हाउस बड़े से घर को कहते हैं, जो क्या होता है, फार्म हाउस होता है एक तरह का. ही एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक अ ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, होता है साथी. दैट हाउएवर डिडंट प्लीज द ट्रैम्प. वो ट्रैम्प उसके घर नहीं जाना चाहता है. नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. मैं नहीं जाऊँगा. क्यों नहीं जाएगा, ही थॉट ऑफ द 30 kroners. उसने वो 30 kroners चुरा रखे हैं. टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली इन टू द लायंस डन. खुद को मुसीबत में डालने के बराबर है अगर वो क्या करता है, आयरन मास्टर के घर जाता है. ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज. वो सिर्फ वहाँ सो जाएगा एंड देन स्नीक अवे, चुपचाप खिसक जाएगा. इनकॉन्स्पिक्यूअसली, बिना किसी के नोटिस किए एज पॉसिबल. द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड. वो मना कर रहा है और आयरन मास्टर ने क्या सोचा कि उसे एम्बेरसिंग लग रहा है, बुरा लग रहा है क्योंकि उसके कपड़े फटे पुराने हैं. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर. तो मेरे साथ मेरे घर चलो, ही सेड, आयरन मास्टर ने कहा. एलिजाबेथ इज डेड, उसकी वाइफ एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है. एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, शायद तुमने सुना भी होगा. माई बॉयज आर एब्रॉड, मेरे लड़के क्या है, एब्रॉड चले गए हैं. एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और घर पर क्या है, सिर्फ मेरी ओल्डेस्ट डॉटर है और मैं हूँ. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. हमें बहुत बुरा लग रहा था कि कोई हमें क्रिसमस पर कंपनी देने के लिए नहीं है. बट नाउ कम अलोंग विद मी, मेरे साथ चलो. हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटल फास्टर, हम तुम्हारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन. और अल्टीमेटली आयरन मास्टर ने सरेंडर कर दिया जब उसने देखा कि वो उसके साथ उसके घर चलने को तैयार नहीं है. इट लुक्स एज दो द कैप्टन वोन सेल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट. और वो क्या कह रहा है, ब्लैक स्मिथ को कह रहा है, सजन स्ट्रॉम. ब्लैक स्मिथ को कहा गया है सजन स्ट्रॉम कि शायद ये कैप्टन मेरा जो फ्रेंड है
तुम्हारे साथ रहना चाहता है. ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्नड ऑन हिज हील्स और वापस चला गया है. बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, मुस्कुरा रहा है जाते हुए, एज ही वेंट अवे. एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैडंट सेड द हिज लास्ट वर्ड, कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज, घोड़ा गाड़ी को कहते हैं. इतने में ही आधे घंटे के बाद एक घोड़ा गाड़ी आई है आउटसाइड द फोर्स एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और कोई अंदर आया है. बट दिस टाइम इट वॉजंट द आयरन मास्टर, ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसकी बेटी आई है अपारेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन, और ये सोचकर आई है कि वो परसुएशन होता है मनाना, कि वो शायद अपने पिता के ओल्ड फ्रेंड उस रेजिमेंटल कॉमरेड को मनाकर घर ले जाएगी. शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट, एक सर्वेंट है साथ में, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, सर्वेंट के हाथ में एक कोट है. शी वाजंट एट ऑल प्रेटी, बहुत सुंदर नहीं है, बट सीम्ड मॉडेस्ट, विनम्र है, एंड क्वाइट शाई, शाई होता शर्मिला. इन द फोर्स एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, फोर्स वैसी ही है जैसी शाम के समय थी. द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज, उसका जो असिस्टेंट है, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, बैठे हैं. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड, चमक रहा है इन द फर्नेस. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, लेटा हुआ है आउट ऑन द फ्लोर पर, एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन को अपने सिर के नीचे लगाए हुए है. एंड हिज हैड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और अपने हैड को अपने मुंह पर रखे हुए है. एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, और जैसे ही वो यंग गर्ल उसके सामने जाकर खड़ी हुई है, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, और उठा है, अपना हैट उठाया है. द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, शायद ये व्यक्ति अपनी एक आंख खोलकर सोता है. ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, तुरंत उठा है, एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और डर गया है. लड़की ने क्या कहा है, माई नेम इज एडला विलमेंसन, क्या नाम है लड़की का, एडला विलमेंसन, सेड द यंग गर्ल. माई फादर केम होम, मेरे पिता घर आए हैं, एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्स टू नाइट, आप आज रात यहाँ रहना चाहते हैं. एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, मैं आई हूँ आपको हमारे घर लेकर जाने के लिए. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आप इतने मुश्किल समय से गुजरे. शी लुक्ड एट हिज कंपैशनेटली, और कंपैशनेटली होते दया की भावना से उसने देखा है. विद हर हैवी आईज, उसकी आंखों में दर्द है. एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, वो व्यक्ति डर गया है, जैसे कि मानो आइदर ही हैज स्टॉलन समथिंग, जैसे उसने कुछ चुराया हो, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, और शायद वो जेल से निकल कर आया है. शी थॉट, उसे ऐसा लग रहा है. एंड एडिड क्विकली, क्या कहती है, यू मे बी श्योर कैप्टन, अंडरलाइन करेंगे, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, जितनी फ्रीली आप हमारे घर जाएंगे, जब आपका मन करे आप हमारा घर छोड़कर जा सकते हैं. द ओनली प्लीज स्टे विद अस, केवल एक रिक्वेस्ट है कि क्रिसमस आप हमारे साथ सेलिब्रेट करें. क्रिसमस ईव शी सेड दिस इन सच, अंडरलाइन करेंगे, फ्रेंडली मैनर में उसने रिक्वेस्ट किया है. दैट द रैट ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और रैट लैब पेडलर को एक कॉन्फिडेंस फील हुआ एडला विलमेंसन के बिहेवियर को देखकर. इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू हिम दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मीन्स, ही सेड आई विल कम एट वंस, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलूँगा. ही एक्सेप्टेड द फर कोट, पेडलर ने वो फर वाला कोट एक्सेप्ट किया है. विच द वैलेट हैंडेड हिम, जो सर्वेंट ने उसे दिया है. विद अ डीप बो, झुककर, थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, अपने फटे पुराने कपड़ों पर वो
जो फर वाला कोट है उसने पहना है एंड फॉलोड द यंग लेडी, उस लेडी के साथ चल पड़ा है आउट टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टॉनिश्ड और द सरप्राइज ब्लैकस्मिथ सो सच एज अ ग्लांस बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप द मैनर हाउस जा रहा है ही हैड इविल फॉर बॉडिंग्स, उसके मन में एक प्रेडिक्शन फील हो रही है. Why the devil did I take that fellow's money? क्यों मैंने उस व्यक्ति के पैसे चुराए? ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, मैं फंसता जा रहा हूँ जाल में एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और शायद मैं कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट He probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. Next day क्या है? Christmas है और जो iron master है सुबह breakfast के लिए आया है, खुश है कि मेरा पुराना regimental comrade मेरे साथ है. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. बहुत कमज़ोर हो गया है मेरा फ्रेंड, उसे कुछ खाने के लिए देते हैं. ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल, डॉटर जो बिजी है टेबल सेट करने में. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स, कुछ करूँगा उसके लिए ताकि उसे जगह जगह घूमकर रैट ट्रैप्स ना बेचने पड़े. इट इज क्वियर That things have gone downhole. कितना बुरा हुआ है उसके साथ, with him. As badly as that, said the daughter. Last night I didn't think there was anything about him to show. लेकिन बेटी क्या कह रही है कि उसको देखकर लगता नहीं है. He had once been an educated man. कि वो एक You must have patience, my little girl, said the father. फादर क्या कह रहे हैं कि तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए. एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी, जब तुम उसे अच्छे से देखोगी समथिंग डिफरेंट होगा. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, उसे भी एम्बेरसिंग फील हो रहा था. ट्रैम्प्स मैनर्स विल फॉल अवे, जब उसके वो ट्रैम्प्स मैनर ख़त्म हो जाएंगे. फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, जब वो उन कपड़ों को उतारेगा कपड़ों को बदलेगा तो क्या है उसका ट्रैम्प मैनर भी अपने आप क्या है खत्म हो जाएगा. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, इतने में ही दरवाजा खुला है. द स्ट्रेंजर एंटर्ड, यस हाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड है. द वैलेट हैड बाथड हिम, उसे नहलाया है. कट हिज हेयर, शेव्ड हिम. मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए हैं, सूट पहनाया गया है विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर का सूट है. ही वोर अ वाइट शर्ट, वाइट कलर की शर्ट पहनी है. स्टार्च कॉलर है, होल शूज हैं. बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, जो गेस्ट है वो अच्छे से तैयार है, लेकिन द आयरन मास्टर डिडंट सीम प्लीज्ड, खुश नहीं है. ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो, अपनी आँखों को सिकोड़ कर देख रहा है उस पैडलर को. एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, जब रात को उसने उसे देखा था तो इतना साफ रोशनी नहीं थी. ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, उसे गलती लग गई. बट दैट नाउ ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन आज वो इस समय दिन की रोशनी में उसके सामने खड़ा है. It was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब गलती करना मुश्किल है, वो उसका दोस्त नहीं था. इस गलती का realization किसे हो चुका है? Iron Master को. What does this mean? He thundered. उसे गुस्सा आ रहा है Iron Master को. The stranger made no attempt to dissimulate. Dissimulate का मतलब होता है छिपाना, hide करना. कोई बात छिपाने की कोशिश नहीं की है. He saw at once that the splendor had come to an end.
कि ये जो सब शानो शौकत थी ख़त्म हो गई है। इट इज़ नोट माई फॉल्ट सर, ही सेड। क्या कह रहा है? आई नेवर प्रिटेंडेड टू डू एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने कभी भी आपको प्रिटेंड नहीं किया है, मैं तो एक पुअर ट्रेडर हूँ। एंड प्लीडेड, रिक्वेस्ट कर रहा है, एंड बैग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स। और उसे क्या कह रहा है कि जो मुझे मैंने तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की थी, मुझे कहाँ रहने दो, उस फोर्ज में रहने दो। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स। मैं कुछ नहीं करूँगा, अपने कपड़े पहनकर दोबारा चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर, हेजिटेट अ लिटल, इट वॉज क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। You must admit, that I should not be surprised if the sheriff would come to have something to say in the matter. Sheriff को बुलाना पड़ेगा, पुलिस को बुलाना पड़ेगा, वही क्या है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। The tramp took a step forward, आगे आया है। Struck the table with his fist, अपनी मुट्ठी मारी है टेबल पर। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. और क्या कह रहा है पैडलर? The whole world is nothing but a big rat trap. ये दुनिया क्या है? एक rat trap है. All good things are offered to you are nothing but cheese rinds. जो ये सारी दुनिया है वो क्या है? जो उसके joys हैं, riches हैं, shelter है, वो क्या है? Cheese rinds की तरह हैं. Bits of pork. पिग के मीट की तरह है, जो क्या करती हैं पुअर फैलो को, जिस तरह से चूहे को खींचती हैं पिंजरे में, इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स को भी खींचती हैं फैलो को इनटू ट्रबल। एंड इफ द शेरिफ कम्स, अगर पुलिस आती है एंड लॉक्स मी अप, मुझे ले जाती है, फॉर दिस देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क। एक दिन तुम भी ऐसे ही फंस जाओगे। एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ, हंसने लग गया है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन। चलो शेरिफ को तो छोड़ते हैं, बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, चले जाओ यहाँ से। बट Just as the man was opening the door, the daughter said, लेकिन बेटी आई है, I think he ought to stay with us today, कि उसे आज यहीं रुकना चाहिए, I don't want him to go, वो नहीं जाएगा, and with that she went, और ये कहकर उसने दरवाजे को बंद कर दिया है, close the door, that in the world are you do, What in the world are you doing? ये क्या कह रही है? फादर ने कहा है, said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया है। That morning she had felt so happy. सुबह कितनी खुश थी। When she thought how home like, कि घर सब कुछ कितना घर जैसा महसूस हो रहा था, क्रिसमस का सेलिब्रेशन करने का मजा आ रहा था। She was going to make things for the poor, hungry, wretch, अभागे को कहते हैं, कि वो खाना बना रही थी उस पुअर व्यक्ति के लिए। She could not get away from the idea at all at once, कि वो नहीं चाहती कि वो यहाँ से चला जाए। And that was why she had interceded, आई है बचाव करने के लिए, किसका? उस वैगाबॉन्ड का, कि ये यहाँ से नहीं जाएगा और हमारे साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करेगा। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल। क्या कहती है लड़की? कि हमें स्ट्रेंजर के बारे में सोचना चाहिए। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, घूमता रहता है सारा साल। देर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस, शायद कहीं उसके लिए कोई जगह नहीं है इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम, जहाँ कोई उसे वेलकम करे। कैन फील एट होम, जहाँ वो घर जैसा महसूस करे। वेयर एवर ही टर्न्स, जहाँ भी ये जाता है, ही इज चेस्ड अवे, लोग इसे भगा देते हैं। एनीवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड,
उसे हर समय डर रहता है कि पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी एंड क्रॉस एग्जामिन करेंगी। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय, क्या चाहती हूँ मैं कि वो एक दिन एन्जॉय करे पीस के साथ, शांति के साथ, विद अस हेयर, जस्ट नो वन इन द होल ईयर। द आयरन मास्टर मंबल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, होता है दाढ़ी, अपनी बियर्ड में हाथ फेरते हुए क्या कह रहे हैं, ही कुडंट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, अपनी बेटी का अपोज, विरोध नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या कहा है, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कॉन्टिन्यूड, चाहे हमसे गलती हो गई हो, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे हर ह्यूमन बींग, हमें अंडरलाइन करेंगे, हमें भगाना नहीं चाहिए इसे, होम वी हैव आस्ट टू कम हेयर, जिसे हमने खुद इन्वाइट किया है अपने घर में, एंड टू होम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चेयर, जिसे हमें क्रिसमस सेलिब्रेशन का वायदा किया है, उसे हम अब नहीं भगाएंगे। डू यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, तुम जो ये मॉरल लेसन्स देती हो, प्रेचिंग करती हो एक चर्च के पार्सन से, चर्च के पादरी से भी अच्छी करती हो, सेट द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रेग्रेट दिस, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी गलती पर कभी पछताना ना पड़े, शायद तुम इस व्यक्ति को घर में रख कर पछताओगी। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, हाथ पकड़ा है, लेट हिम अप टू द टेबल पर लेकर गई है, नाउ सिट डाउन एंड ईट, बैठो और खाओ, she said, for she could see that her father had given in, और उसके फादर को भी सरेंडर करना पड़ा है अपनी बेटी के जिद के आगे। The man with the rat trap said not a word, कुछ नहीं कहा है पेडलर ने, he only sat down, बैठ गया है, and helped himself to the food, खाना खा रहा है, time after time he looked at the young girl को देख रहा है, who had interceded, जिसने उसका बचाव किया है अपने पिता के सामने। Why had she done it, क्यों किया उसने, क्यों बचाया मुझे, What could the crazy idea be, क्या कारण है इसके पीछे। After that Christmas Eve at Ramstoe passed, Christmas celebrate करने के बाद, just as it always had, जैसा हर साल Christmas को celebrate किया जाता था, द स्ट्रेंजर डिडंट कोज एनी ट्रबल बिकॉज, और उस पैडलर ने, उस रैट ट्रैप सेलर ने किसी के लिए कोई समस्या क्रिएट नहीं की है, ही डिड नथिंग बट स्लीप, सो रहा था वो, द होल फोरनून, पूरी दोपहर, ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, स्लैप्ड एट वन स्ट्रेच, सोया हुआ है, एट नून दे वॉक हिम अप, उसे उठाया है दिन में, ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो अपना खाना खा सके, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, दोबारा सो गया है। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैडंट बीन एबल टू स्लीप, मानो कई सालों से सोया ही ना हो, एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट रामजो, शायद वो इतना शांत और इतना सेफ कहीं नहीं फील करता था जो उसने रामजो में फील किया है। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, दे वॉक हिम अप अगेन, उसे उठाया है, एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्रॉइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और जो वो कैंडल की लाइट्स उसकी आंखों को लग रही हैं, बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, दोबारा फिर गायब हो गया है, टू आवर्स लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, उसे दोबारा फिर उठाया गया है, ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, उसे डाइनिंग रूम में लेकर गए हैं और उसे खाने के लिए दिया है, ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज। एज सुन एज ही गॉट अप फ्रॉम द टेबल, ही वेंट अराउंड टू Each one present and said thank you and good night. सबको thanks कहा है, good night कहा है, but when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention. Underline करेंगे यहाँ से, लड़की ने क्या कहा है कि उसके पिता की इच्छा है कि जो सूट उसने पहना हुआ है
वाज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, तुम्हारे लिए क्रिसमस का प्रेजेंट है। ही डिडंट हैव टू रिटर्न इट, उसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और अगले साल भी अगर उसका मन करे तो वो वहाँ आ सकता है, क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकता है। एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तुम्हारा दोबारा फिर यहाँ वेलकम है। द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिडंट आंसर एनीथिंग टू दिस, ही ओनली स्टेयर्ड, हैरान है एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस लिमिटलेस अमेजमेंट, सरप्राइज है कि वो लड़की इतना फेवर उसे क्यों कर रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस, चर्च गए हैं। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, सो रहा है गेस्ट, एंड डिडंट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब नहीं किया है। वेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रॉव बैक फ्रॉम द चर्च, 10 बजे चर्च से फिर वापस आए हैं। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड ओ इवन मोर डिजेक्टेडली, होता निराश है लड़की जब चर्च से वापस आई है देन यूजुअल, क्यों? एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर, चर्च में जाकर क्या पता लगा है कि किसी क्राफ्टर के जो आयरन वर्क्स में काम किया करता था उसके पैसे हैड बिन रॉब्ड बाय अ मैन, किसी ने चुरा लिया है, और किसने चुराए हैं? जो रैट ट्रैप्स बनाकर बेचता है। यस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, और पिता डांट रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ये वही व्यक्ति है जिसको तुमने अपने घर में रखा हुआ है। सेड हर फादर आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पूंस आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, पिता क्या कह रहे हैं, पता नहीं कितने चांदी के सिल्वर स्पून चोरी कर कर भाग गया होगा वो पैडलर, वो रैट ट्रैप सेलर, वो वैगाबोन। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, घोड़ा गाड़ी रुकी है आकर घर के अंदर। आयरन मास्टर आस्क द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, क्या वो स्ट्रेंजर घर के अंदर है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट द चर्च, क्या बताया आयरन मास्टर ने कि चर्च में सुना है कि द मैन वॉज अ थीफ, वो एक चोर है। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गोन, कि वो व्यक्ति चला गया है, एंड दैट ही हैडंट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, वो कुछ चुरा कर नहीं गया है, रादर ऑन द कंट्रारी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ पैकेज, लिटिल पैकेज, एक पैकेट छोड़ कर गया है विच विल मैनसन का है। वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और क्या कहकर दिया देकर गया है कि ये गिफ्ट है एडला विलमनसन के लिए। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उसने पैकेट खोला है विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स, इतने बेढंगे ढंग से उसे पैक किया गया था कि सामान एक बारी में ही सामने नजर आ रहा है। शी गेव, अंडरलाइन करेंगे, विद अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, खुश हो गई है उस गिफ्ट को देखकर। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप है उसके अंदर, एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner के वो नोट्स हैं। दैट वॉज नॉट एट ऑल, बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, इतना ही नहीं, इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर, एक लेटर भी है, रिटर्न इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर, जैग्ड होता है टेढ़े मेढ़े रफ कैरेक्टर में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ओनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, आपने मेरी इतनी हेल्प की, ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, और बदले में मैं भी आपके साथ अच्छा बिहेव करना चाहता हूँ, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, एक रियल कैप्टन के जैसा बिहेव करना चाहता हूँ, फॉर आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड, मैं आपको एम्बेरस नहीं करना चाहता हूँ, एट दिस क्रिसमस सीजन बाई अ थीफ, मैं नहीं चाहता कि आप सोचें कि मैं एक चोर हूँ, बट यू गिव यू कैन गिव बैक द मनी, आप ये पैसे वापस कर दें,
उस ओल्ड मैन को टू द रोड साइड, जो वो कहाँ रहता है, रोड साइड पर रहता है, हु हैज द मनी पाउच, जिसने वो मनी का पाउच टांगा हुआ है, हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, उस विंडो फ्रेम पर, एज अ बेट, एक लालच के तौर पर, किसके लिए, फॉर पुअर वांडरर्स के लिए. द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, ये एक प्रेजेंट है एक रैट की तरफ से. हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, वो शायद जो फंस जाता लेकिन अगर एडला विल्मेंसन उसकी हेल्प ना करती, इफ शी हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, एडला विल्मेंसन ने उसे कैप्टन की तरह ट्रीट किया है, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लीन हिमसेल्फ, और इस तरह से उसने अपना आपको सुधारा है. रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, एंड में क्या साइन किया अपने आपको कैप्टन वॉन स्टेल, और अपने आपको कैप्टन वॉन स्टेल के रूप में साइन किया है और इस तरह से खुद को चेंज कर लिया है, अपने आप को बदल लिया है, और एडला विल्मेंसन के अच्छे बिहेवियर ने उस व्यक्ति को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है. बड़ी अच्छी स्टोरी है, नाइस स्टोरी है, हमें एक मॉरल लेसन देकर जाती है कि सोसाइटी में हम हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की जो क्या है, कई बार गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं. नाउ हेयर आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने आपको समरी में भी दिए थे ये क्वेश्चन, 16 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप तैयार करेंगे. कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, मैं हर बार कहती हूँ कि ये भी आपको तैयार करने चाहिए, स्पेशली उन बच्चों को जिनका टारगेट अच्छे मार्क्स लेना है. और ये हमारे चार लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं. लॉन्ग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो अच्छे से तैयार करने ही करने हैं हमें एग्जाम के लिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, जल्दी ही हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन के साथ. थैंक यू.